Hey, what's up guys? This is Health Fitness and welcome back to my channel. तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत प्रॉब्लम के अंदर मैं फंसा हुआ था, अभी भी हूँ, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। मैं एक अपडेट भी आप लोगों को दिया था कम्युनिटी पोस्ट में। मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मेरा टाइम जो है सही नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को पता ही है, कलकत्ता में पहली बार मसल मीनिया कंपटीशन हो रहा है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं रजिस्ट्रेशन भी किया था, जिसका अपडेट आप लोगों को यूट्यूब पर मिला था, शायद आप लोग देखे होंगे। जो लोग नहीं देखे होंगे, सॉरी, मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन उसके अंदर ही अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना चाहे आप लोगों को अपडेट देने की। इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा थोड़ा रील्स डाल रहा हूँ कि आप लोगों को अपडेट मिले कि मैं मसल मीनिया में इस बार कम्पीट कर रहा हूँ, जो कलकत्ता में पहली बार हो रहा है। और मैं मसल मीनिया का जो कंपटीशन है उसके मीडियम कैटेगरी में शायद से होऊंगा। शॉर्ट, मीडियम और टॉल में होता है हाइट के हिसाब से, और मेरा हाइट है 5.8 फीट। तो मुझे लगता है मैं मीडियम कैटेगरी में गिरूंगा। जो भी हो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ऑलमोस्ट मेरा गेनिंग फेज खत्म होने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कोई भी डाइट एंड वर्कआउट प्लान शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है बहुत ही बिजी शेड्यूल है। आप लोगों को पता ही है मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। मेरे को सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, 6 से 10 बजे तक सुबह मेरा ट्रेनर का जो जॉब है, आप लोगों को पता ही है, पिछले कई सालों से मैं ट्रेनर का जॉब कर रहा हूँ कलकत्ता में ही। और जिस जिम में मैं बैठा हूँ, इसी जिम में मैं 2 शिफ्ट में काम करता हूँ। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक मैं रहता हूँ। उसके बाद ही जो मैं वर्कआउट करता हूँ। अभी फिलहाल 10 बजे के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोग अभी देख रहे हो। मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ही अलग है बाकी लोगों से, बाकी यूट्यूबर लोगों से। वो लोग अपना रेगुलर लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ अपडेट कर पाता है, लेकिन मेरा शेड्यूल जो है बहुत बिजी है। मैं एक फ्रेंडली आप लोगों के साथ बात शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को गलत मत समझना। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों को अपना जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो वर्कआउट है, अपना जो डाइट प्लान है, रेगुलर आप लोगों को अपडेट कर पाऊँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो मेरा जो लाइफ स्टाइल है मैं थोड़ा खुद से चेंज किया हूँ। 2 पैर को मैं फ्री रहता था जिस टाइम में ही आप लोगों के साथ वीडियो में बना के शेयर करता था, लेकिन उसके बाद मेरे लाइफ में थोड़ा पर्सनल मतलब इशू आया था, जिसके कारण मेरे को और अर्निंग बढ़ाना था। इसलिए मेरे को ऐसा लगा जो 2 पैर का टाइम है मेरा वेस्ट जा रहा है, मेरा कुछ अर्न नहीं हो रहा है। इसलिए मैं क्या किया, और एक जिम में मैं ज्वाइन किया हूँ, 4 घंटे का स्लॉट लेके 12 बजे से 4 बजे तक। इसके कारण मेरा जो डेली का रूटीन है 12 घंटे मेरा जिम में ही गुजर जाता है। जो वर्क शेड्यूल है, मेरे को 12 घंटे में ट्रेनिंग देता हूँ जिम के अंदर एज ए ट्रेनर। उसके बीच बीच में ही मैं अपने आप को ट्रेन करता हूँ, मेरा वर्कआउट करता हूँ। उसके अंदर ही अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि अपना रेगुलर ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, रेगुलर वीडियो में आप लोगों का शेयर कर पाऊँ। जितना हो सके मैं करता हूँ अपने तरफ से। मेरे को पता है एक फिटनेस यूट्यूबर होके मैं आप लोगों को उतना अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। सच में मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे, इसलिए मैं बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पर अभी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है। मेरा दोस्त है पीछे जो वीडियो बना रहे, वो मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया है कि ना फिर से शुरू करो, जो अपडेट देना है अभी दे दो, जैसा लाइव चल रहा है उसके ऊपर ही तुम जितना हो सके शेयर करो। सूरज पीछे है, आप लोग उसको देखे होंगे मेरे बहुत वीडियो में, पिछले वीडियो में। जो भी हो, सभी बातों को साइड में रखते हुए, जो होता है लाइफ में होता है सभी का। मेरा लगता है मेरे लिए अभी तक वो टाइम आया नहीं कि मैं वो गोल अचीव कर पाऊँ, लेकिन मैं ये आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मेरा जो कंपटीशन है मैं अपना 100% दूंगा, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो अभी गेनिंग फेज मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। आप लोगों को यही शेयर करना था कि मैं मेरा जो गेनिंग फेज था या चल रहा है, और 5 दिन बचा है गेनिंग फेज खत्म होने में। मैं कोशिश करूंगा इस वीक के अंदर आप लोगों के साथ गेनिंग फेज का जो डाइट मेरा चल रहा था वो शेयर करने की, और जो वर्कआउट मेरा चल रहा था, आज भी मैंने फुल बॉडी ट्रेन किया है। रेगुलर में जो गेनिंग फेज था मैं फुल बॉडी को ट्रेन करता आ रहा हूँ। मेरा वर्कआउट का जो प्लान है वो है, मैं लेग से शुरू करता हूँ तो अपर बॉडी तक खत्म करता हूँ। लेग को मैं ज्यादा अटेंशन देता हूँ क्योंकि इसमें स्कोर ज्यादा होता है, और लेग एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है बॉडी बिल्डिंग स्टेज में, ठीक है। तो मैं पहले लेग का वर्कआउट से स्टार्ट करता था, धीरे धीरे लोअर बैक को, उसके बाद बैक, उसके बाद शोल्डर,
चेस्ट एंड आर्म्स सभी पार्ट को मैं सिंगल वर्कआउट वाइज मैं ट्रेन करता आ रहा था गेनिंग फेज में, लेकिन श्रेडिंग फेज में टोटल प्रोसेसिंग जो है अलग है, वो बॉडी कंडीशन कैसे रिएक्ट करता है, कैसे चेंज होता है, उसके ऊपर वर्कआउट प्लान भी मेरा चेंज होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्कआउट ऐसे मैंडेटरी रह जाता है जिससे मैं अपने बॉडी को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि श्रेडिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वर्कआउट को हाई इंटेंस कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो हम लोग का बॉडी का फैट रहता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और रिड्यूस भी होता है उतना अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ डाइट एंड वर्कआउट प्लान जो गेनिंग फेज का चल रहा था मेरा शेयर कर दूंगा, और आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपना करेंट फिजिक शो करूंगा कि गेनिंग फेज में मेरा बॉडी कंडीशन कैसा है, और इसके बाद जब शेडिंग फेज होगा जो जर्नी रहेगा मेरा 20 डेज का और कुछ ही दिन बचा है, तो तभी मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे हमेशा, कि इस छोटे से फैमिली को मैं बहुत दूर तक ले जा पाऊँ इतने बिजी लाइफ स्टाइल के अंदर रहते भी। तो मैं यही बोलूंगा, मुझे गलत मत समझना, हमेशा साथ रहो, मेरे साथ दो, मेरे को कुछ करके दिखाने आप लोगों को। तो चलिए अभी करंट फिजिक आप लोगों को शो करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि मैं दो कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ, एक है मेन फिजिक और एक क्लासिक फिजिक, तो दोनों का पोजिंग जो है अलग है, तो मैं वही पोजिंग के अंदर ही आप लोगों को मेरा बॉडी कंडीशन शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताना मेरा जो गेनिंग फेज का जर्नी था, अभी का जो बॉडी कंडीशन है, आप लोगों को कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को डीएम कर सकते हो अगर गेनिंग प्लान का वर्कआउट प्लान और आप लोगों को डाइट चाहिए तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, आप लोग को अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। तो अभी आप लोग मेरा बॉडी कंडीशन देख के कमेंट करना, ठीक है, कि कैसा रहा मेरा गेनिंग फेज का कंडीशन। अभी रात के 11 बज रहा है, जिम पूरा खाली है, 10 बजे बंद हो जाता है, इसके बाद ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि सारा दिन काम रहता है, म्यूजिक लाउडली बजता है तो मैं नहीं बना पाता हूँ, और मेरा भी काम रहता है। तो अभी मैं आप लोगों को क्लासिक फिजिक का जो पोजिंग है वो करके दिखाऊंगा, तो आप लोग देख लेना कैसा है कंडीशन। तो ये था क्लासिक फिजिक का पोजिंग, जिसमें चार मैंडेटरी पोजिंग रहता है, फ्रंट डबल बाइसेप, साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप विद एब्डोमिन और थाई, ये चार पोजिंग मैंडेटरी रहता है। और स्टेज में जब सोलो पोज होता है उसके अंदर मैं अपने तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ अलग पोजिंग करके, जिसमें मेरे को बहुत अच्छे तरीके से जज लोगों के सामने बॉडी को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये है बॉडी कंडीशन, अभी मैं मेन फिजिक का जो पोजिंग है वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा मेन फिजिक का पोजिंग, और स्टेज में तो थोड़ा अलग से मैं करूंगा पोजिंग, कि अट्रैक्शन मेरे ऊपर ही रहे सभी का, और मैं अपना बेस्ट दूंगा। अभी स्ट्रेडिंग फेज चालू नहीं हुआ गेनिंग फेज का, अभी करें मेरा फिजिक का बॉडी वेट है 82 kg, अभी स्ट्रेडिंग करने के बाद कितने किलो पे मैं लॉक होता हूँ, मेरा टारगेट है 68 to 70 किलो के अंदर,
बहुत ज्यादा डिप नहीं होऊंगा, जितना वाटर है होल बॉडी में आप लोग देख सकते हो। मेरा फिजिक जो है, आप लोग इंस्टाग्राम पर अगर जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, जो 365 डेज मेरा बॉडी कंडीशन थोड़ा लीन बल्क के ऊपर ही चलता है, बहुत ज्यादा फैट मेरे अंदर नहीं आता है। जेनेटिकली मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा कंडीशन हमेशा ऐसे ही रहता है ऑलमोस्ट, जिसके कारण उतना मेरे को दिक्कत नहीं होता है। लेकिन इस बार मेरे को और अच्छा फिजिक लाना है कि आप लोगों को भी मैं शो कर पाऊँ और स्टेज में भी जज के सामने अच्छा दिखूँ, अच्छा फिजिक लेके जाऊँ, कि जो वो ट्रॉफी मेरे पास आए। सभी लोग चाहते हैं वो चैंपियन बने, मेरे अंदर भी वो जुनून है कि मैं चैंपियन बनूं। अभी तो मैं अपना 100% क्या 200% ही दूंगा, स्टेज में भी अपना 200% दूंगा, तब क्या होगा पता नहीं। लेकिन जो ये जो मेरा मैं स्टार्टिंग से अभी तक करता आ रहा हूँ पिछले 13 सालों से, आप लोगों को पता ही होगा जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था तभी से मैं बॉडी बिल्डिंग लाइफ में आ गया था, छुप छुप के जिम जाता था। जो जो भी हो वो और एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इतने सालों का जो जर्नी है वो मैटर करता है मेरे पास, ऐसी लगता है कि जितना आप टाइम दोगे उतना आपको टाइम आपको कुछ रिटर्न देगा। तो जो भी हो, अभी का टाइम में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, स्टेज में जाऊँगा अपना 100% दूंगा। आप लोग बस मेरे साथ रहे, सपोर्ट करते रहे, और कमेंट में आप लोग जरूर बताना जो करेंट फिजिक है मेरा आप लोगों को कैसा लगा। और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करके छोटे भाई को सपोर्ट करिए, आगे लेके जाइए, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट में बताना है आप लोगों को मेरा फिजिक कैसा लगा, बार बार आप लोग एक ही बात बोल रहा हूँ। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आज के लिए बाय बाय। Thank you.